साथियों 40 डिग्री की इस गर्मी में, उस महीने में जब किसान भी कान पड़ाकर बाधा बन गया था, उस गर्मी के अंदर हजारों की संख्या में आप सारे साथी क्यों इकट्ठे हुए, क्यों ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र पे एक संकल्प लेकर एक यज्ञ करके श्रीमद् भगवत गीता का आह्वान करके क्यों आपके बेटा बेटी, क्यों हरियाणा के नौजवान चिलचिलाती धूप में भूखे प्यासे नंगे पांव सड़कों पर एक एक कदम चलने को मजबूर हो गए? क्या कारण है कि हरियाणा के 11.5 लाख युवा, 11,22,000 वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो सीईटी के एग्जाम में बैठे, उनमें से कोई आपका भाई है, वो स्वयं बहुत सारे हजारों में नौजवान यहां मौजूद हैं, कोई आपकी बिटिया है, क्या कारण है कि गुण है, शिक्षा है, काबिलियत है, पर वो सब मजबूर है? 4 साल से मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ बना रहे, 4 साल बाद जब नतीजा निकाला तो वो सारा का सारा बेकार और त्रुटिपूर्ण नतीजा है। सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी के जिसको नंबर देने हैं दिए नहीं, जिसको नहीं देने उसको दे दिए, जिसने एक सर्विसमैन कैटेगरी में अप्लाई किया उसे जनरल कैटेगरी में डाल दिया, जिसने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में अप्लाई किया उसे जनरल में डाल दिया, जनरल वाले को इन कैटेगरियों में डाल दिया। पेपर में ऐसे 15 से 20 सवाल हैं जिनके चारों जवाब गलत हैं। ना तो हेरा फेरी सर्विस काउंटर HSSC वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं है, वो हेरा फेरी सर्विस काउंटर बन गया। ना तो HSSC को, ना मनोहर लाल खट्टर जी को, ना दुष्यंत चौटाला को, ना उनके मंत्रिमंडल को उन सवालों का जवाब पता नहीं, तो हमारे बच्चे कैसे ठीक करेंगे? और जब बच्चों ने 100-100 रुपया प्रश्न का पैसा देकर अप्लाई किया तो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और अब ये कहते हैं बगैर कुछ संशोधन किए हम अब नौकरियां निकालेंगे, और शर्म की बात है, डूबकर चुल्लू भर पानी में भाजपा जजप्पा वालों को मर जाना चाहिए। ये कहते हैं कि हरियाणा की बेटियों की छातियां नापेंगे, इससे बड़ा दुष्कर्म खट्टर साहब करण की इस वीरभूमि करनाल में कोई हो नहीं सकता। इसलिए पूरे हरियाणा के नौजवान, मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, आज तकरीर का दिन नहीं संघर्ष का दिन है। साथियों आज एक नारा देने आए हैं कुमारी शैलजा जी, किरण जी, मैं और हम सब। हरियाणा के नौजवानों को फैसला करना पड़ेगा, करो या मरो, या खट्टर साहब सुधर जाएं, भाजपा जजप्पा सुधर जाएं, वरना उनका तख्ता पलट करना पड़ेगा। आज से ये आह्वान कर दीजिए। कांग्रेस पार्टी, साथियों ये तिरंगा यात्रा, ये तिरंगा यात्रा उन युवाओं के द्वारा निकाली गई है जिनका कोई राजनीतिक दल नहीं, जो किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं, वो केवल पेट की भूख के समर्थक हैं, वो केवल हरियाणा के नौजवानों के गुण पहचानने के समर्थक हैं। जब गरीब का बेटा और बेटी, जब दलित का बेटा और बेटी, जब बैकवर्ड क्लास का बेटा और बेटी, जब किसान का बेटा और बेटी, जब दुकानदार का बेटा और बेटी, जब तरसता है 2 जून की रोटी के लिए, जब 4-4 साल हजारों रुपया खर्च करके सीईटी क्वालिफाई करता है, फिर कहते हैं क्वालिफाई किया तो किया, अब तुम्हें नौकरी के लिए बुलाएंगे ही नहीं, तो 4 साल खाक छनवाई थी उनसे। ये उन बच्चों की सिसकती हुई आवाज को बुलंद करने कुमारी शैलजा जी, किरण जी और हम सब आपके बीच में आए। काश खट्टर साहब ने शादी की होती, उनके बच्चे होते, तो वो जानते मां बाप की उस पीड़ा को। आप इसलिए, मेरी बहन, आप इसलिए समझती हो कि हमारे जैसे आपके हजारों भाई बहन हैं। काश खट्टर साहब आरएसएस से बाहर किसी को समझ पाते तो वो ये जान पाते कि बच्चों की पीड़ा क्या है। इसलिए आदरणीय साथियों, बुजुर्गों,
जैसा किरण जी कह रही थी, आज मैं आपसे कहता हूं, ये आपका इम्तिहान भी है। क्या आप हरियाणा के नौजवान जो इस सभा के अंदर मौजूद हैं और उनके सारे समर्थक जो इस सभा के अंदर मौजूद हैं, 10 किलोमीटर आपको पैदल चलकर जाना है हमारे साथ हरियाणा के नौजवानों के लिए, बताइए हाथ खड़ा करके आप तैयार हैं? तैयार है जी, एक व्यक्ति भी जो पीछे रह जाएगा कर्ण की इस धरती में पाप का भागीदार हो जाएगा। और जब आप घर जाओगे तो फिर बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे, इसलिए इस बात को याद रखें। चंडीगढ़ में चलो जी, दूसरा मैं आपसे एक विनती और, आपके जोश का स्वागत है। बहन जी भी कह रही थी, किरण जी भी कह रही थी, मैं भी कह रहा हूं, हाथ जोड़कर तीनों की तरफ से कहता हूं, आपके जोश का स्वागत है। परंतु चलने में भी अनुशासन दिखाना अनिवार्य है। अगर सब अगली पंक्ति में चलेंगे तो पिछली में कौन चलेगा? हम तीनों सबसे पिछली पंक्ति में चलने को तैयार है। आप हम सारे हमारे आगे चलो, हमें कोई ऐतराज नहीं, हम सबसे पीछे चलेंगे, हम सारे आगे चलो, ताकि कोई छूटेगा तो हमें दिख भी जाएगा, कोई गड्डी में बैठेगा वो भी दिखेगा। तो इसलिए देश का ये तिरंगा थामकर और युवाओं की ये जो उन्होंने पट्टियां बनाई हैं, युवा अधिकार यात्रा सीईटी क्वालिफाई करो, जिस पर बाबा साहब अंबेडकर का चित्र है, जिस पर महात्मा गांधी का चित्र है, जिस पर शहीद भगत सिंह का चित्र है, जिस पर राहुल गांधी जी और खड़गे साहब का चित्र है, ये अपने हाथ में लेकर कदम से कदम मिलाकर बढ़ते जाइए, ताकि खट्टर साहब को आज ये पता चल जाए कि हरियाणा का नौजवान उनके दरवाजे पर न्याय मांगने आया है। हम हिंसा करने नहीं आए, हम हिंसा करने नहीं आए, हम झगड़ा करने भी नहीं आए, हम केवल हरियाणा के युवकों और युवतियों के लिए न्याय मांगने आए। इसलिए साथियों, हरियाणा के युवकों और युवतियों के भविष्य के लिए आइए आज करो और मरो का संकल्प लेकर आगे बढ़ते जाएं।